अभिषेक जी का सवाल है रोटो पंप्स के बारे में। एक दो सवाल बीच में मैंने अवॉइड किए हैं, और वो भी इसी वजह से कि आप अगर बार बार सवाल भेजेंगे तो वो चीज़ दिक्कत वाली है। मैंने पहले ही एक सवाल इसी वजह से इग्नोर किया, वैसे ही सवाल और भी इग्नोर कर रहा हूँ। जहाँ भी एक ही दर्शक 2-3 बार 5 बार 10 बार अपने सवाल भेजने लगेंगे तो उन सवालों को हम इग्नोर करेंगे। अभिषेक जी का सवाल है रोटो पंप्स के बारे में, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा लग रहा है ये? ये मेरे हिसाब से तो ये जितने भी पंप ये सब है ना आपके, ये अभी भी सेक्टर में तो बहुत ही दम है। आने वाले समय में कैपिटल गुड्स में इनके कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ने चाहिए। रोटो पंप में प्रॉब्लम है कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वही वैल्यूएशन अब इसके फेवर में नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन एज ए कंपनी आप पूछेंगे तो परफॉर्म अच्छा कर रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट से उसके हिसाब से पॉजिटिव भी है, लेकिन वैल्यूएशन इसको ऐसे लेवल पे ला के रख देता है कि कितने अपसाइड की बात की जाए वो थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा रन हो चुका है इसमें। तो रोटो पंप दो सेक्टर पोजिशनिंग बहुत अच्छी है, पंप हाइड्रोलिक्स, लेकिन वैल्यूएशन इसका बहुत महंगा हो गया है। तो आप मेरे अंदाजे से अगले 1-1.5 साल की अर्निंग तो ऑलरेडी फैक्टर कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर यही मेरा इसका निचोड़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 375 और 440-435 ये वाले रेंज में ये मूवमेंट हो फॉर सम टाइम। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए आपको। ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक रहेगा, इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं रहेगा, बिकॉज वैल्यूएशन फेवर में नहीं है। सेक्टर अच्छा है, फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन वैल्यूएशन अच्छा नहीं है। एनी जी 370-375 के आसपास इसकी वैल्यूएशन कीजिए और देखिए उस समय क्या लगता है, मार्केट का सिचुएशन कैसा रहता है। बट इन आइसोलेशन वैल्यूएशन इसको इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा रोकेगा। जी लेकिन इसके जो पेयर्स हैं वो तो और महंगे हैं। अगर आप केएसबी को देख लें या आप देख लें शक्ति पंप्स को, तो ये सब तो और ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। केस भी अलग केस है, रोटो अलग केस है, शक्ति अलग केस है। शक्ति में मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपको गवर्नमेंट से ट्रिगर होके आते हैं, तो वहाँ पे आपको जो माइलेज रन में मिलेगा रोटो में और केएसबी में वो नहीं मिलेगा आपको। शक्ति में मिलेगा, सेक्टर टेलविंड का फायदा मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो इसके वैल्यूएशंस लास्ट 1 साल में इन सबके आउट हो गए हैं। इनफैक्ट केएसबी तो मैं 900 रुपये से वॉच कर रहा हूँ, वो तो मेरे खुद से छूटा हुआ है, हाथ से छूट गया था। लेकिन अब वैल्यूएशन ऐसा है कि मैंने रोटो में काम किया है लेकिन केस भी छूट गया था। शक्ति में मैं इसीलिए काम नहीं करता कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले में मुझे पेमेंट मिलना रुकना ये सब थोड़ा सा इशू लगता रहता है। तो अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है वैल्यूएशन के अलावा। तो कभी मार्केट डीप करेक्शन होता है तो ये सब लेके रखने वाले स्टॉक रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन इस लेवल पे तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं वैल्यूएशन सबका, मुझे ये पूरा पंप हाइड्रोलिक सेक्टर एज सच में ही वैल्यूएशन बहुत खिंचाव लगता है। जी तो चलिए वैल्यूएशन का ध्यान रखिए, थोड़ा नीचे आए तो फिर बेहतर खरीद इसमें हो सकती है।